हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ डीएवी स्कूल। एज यू नो इन द क्लास 8 जी साइंस वी आर ऑन चैप्टर 17। आवर टुडेज टॉपिक इज पोलस्टार ध्रुव तारा। द पोलस्टार नोन एज द ध्रुव तारा इन हिंदी इज ए स्पेशल स्टार प्रेजेंट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो ये पोल स्टार है, ध्रुव तारा जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्पेशल स्टार होता है। दिस स्टार अनलाइक द अदर स्टार अपीयर टू बी फिक्स्ड एट वन प्लेस। और सितारों की बजाय ये तारा जो है, इसकी जगह फिक्स होती है, प्लेस फिक्स होता है। इन फैक्ट ऑल स्टार अपीयर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार। जबकि बाकी तारे जो हैं वो पोल स्टार के चारों ओर रिवॉल्व करते हुए हमें दिखाई देते हैं। दिस इज सो बिकॉज द पोल स्टार लाइज ऑन ए लाइन क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये पोल स्टार है वो लाई करता है ऑन द लाइन क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल फीचर दिस स्टार हैज़ बीन वेरी यूजफुल टू ट्रेवल्स। इसी कारण से जो स्पेशल फीचर है इस स्टार का, वो यूजफुल है ट्रैवलर्स के लिए। इट हेल्प देम टू फाइंड द डायरेक्शन एट नाइट। ये रात को डायरेक्शन पता करने के यूज में आता है। द पोल स्टार डिफाइन द नॉर्थ डायरेक्शन। द अदर डायरेक्शन कैन बी डिफाइन विद रिस्पेक्ट टू दिस डायरेक्शन। पोल स्टार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है और बाकी जो डायरेक्शंस हैं वो इसकी हेल्प से, इसके विद रिस्पेक्ट में पता की जा सकती हैं। नाउ वी हैव एन एक्टिविटी, प्लीज रीड दिस एक्टिविटी। एंड नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टेलेशंस। ए क्लोज एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार्स ऑन ए क्लियर नाइट रिवेल दैट सम ऑफ दीज स्टार अपीयर टू फॉर्म सम काइंड ऑफ पैटर्न दैट अपीयर टू रिसेंबल सम फैमिलियर शेप्स। एक क्लोज और केयरफुल ऑब्जर्वेशन के द्वारा किसी एक क्लियर नाइट में कोई सितारे जो हैं वो एक विशेष आकृति को धारण कर लेते हैं, किसी फैमिलियर शेप को। तो सच ए ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज कॉन्स्टेलेशंस। This thus a constellation is a group of stars that appear to form some recognizable pattern or shape in the sky. इसलिए जो constellation है वो एक group of star होगा जो appear करेगा, क्या होगा वो recognized pattern या shape को sky के अंदर धारण करेगा, बनाएगा। सम प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशंस। वेन वी स्पॉट 3 ब्राइट स्टार इन ए रो ऑन विंटर इवनिंग वी एक्सक्लेम ओह दैट इज द पार्ट ऑफ ओरियन। जब हम देखते हैं कोई भी 3 स्टार को एक ही रो के अंदर, इवनिंग के अंदर, हम कहते हैं कि ये दिस इज द पार्ट ऑफ ओरियन। ओरियन इज वन ऑफ द मैग्निफिशेंट कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। ये क्या है, एक मैग्निफिशेंट कॉन्स्टेलेशन है स्काई का। इट हैज़ ब्राइट स्टार 7 ब्राइट स्टार्स। 4 ऑफ दीज अपीयर टू बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल। 4 जो हैं वो क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में होते हैं एंड द अदर 3 फॉर्म द स्ट्रेट लाइन इन द मिडल। बीच में जैसे ये दिखा रखिए, मिडल लाइन में दिखाते हैं, और ये 4 जो हैं ये यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में होते हैं। वन ऑफ लार्जेस्ट स्टार नोन द बेटेलजियस इज सिचुएटेड ऑन वन कॉर्नर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। एक सितारा जो है वो बड़ा सा सितारा जो है इसकी एक कॉर्नर पे होता है। वाइल अनदर ब्राइट स्टार कॉल्ड रीगल इज लोकेटेड ऑन द अपोजिट कॉर्नर। जबकि दूसरा जो बड़ा सितारा है वो रीगल कहते हैं उसको, और वो अपोजिट कॉर्नर पे होता है।
द बिग डीपर इज अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन इज मेड अप ऑफ सेवन स्टार्स इन द नॉर्दर्न कैलेस्टियल हेमिस्फीयर. जो बिग डीपर है अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टल है इज मेड ऑफ सेवन स्टार इन द नॉर्दर्न कैलेस्टियल हेमिस्फीयर. इट इज ऑल्सो नोन एज द ऊर्सा मेजर और द ग्रेट बियर. In this constellation, the two stars at the top are called pointers, and this is because the line joining them points in the direction of the pole star. इस constellation में जो दो सितारे हैं top पर जो हैं वो pointers कहलाते हैं because they point the direction of the pole star. Pole star की direction को वो दिखाते हैं. आगे का टॉपिक आप रीड करेंगे. आज के टॉपिक में से आप कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करने की कोशिश करेंगे और मेरे साथ व्हाट्सएप पे उनको शेयर करेंगे. Okay, thank you so much.